एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे बोला कि हे महात्मा, मेरे इस जीवन का क्या मूल्य है? मैं जो ये मनुष्य जीवन में हूँ, क्या इसकी कीमत है? महात्मा बुद्ध बोले, हे बेटा, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने उस व्यक्ति को एक मनी रूपी हीरा दिया और उसे कहा कि जाओ, इस हीरे का मूल्य पता करो, और ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है, और मूल्य पता करके वापस आके बताओ कि इसका मूल्य कितना है। वह व्यक्ति उस हीरे को लेके चला और वह पहुंचा मार्केट में, जहां सब्जी बेच रहे थे लोग। उसने एक सब्जी वाले को पूछा कि इस हीरे का क्या मूल्य है? और सब्जी वाले ने कहा कि मैं इस हीरे के बदले तुम्हें एक बोरी आलू और एक बोरी टमाटर दे सकता हूँ। तो वह व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने एक फल वाले से पूछा कि इस हीरे का क्या मूल्य है? तो फल वाले ने जब हीरा देखा तो उसे लगा कि बहुमूल्य रत्न है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें 10 किलो आम और 10 किलो सेब दे सकता हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति हीरे को लेके और आगे बढ़ा और उसने सोचा कि क्यों ना इस हीरे को किसी जौहरी के पास ले जाके इसका मूल्य पता किया जाए। वह जौहरी के पास पहुँचा और उनसे बोला कि इस हीरे का क्या मूल्य है? जौहरी देखते ही समझ गया कि यह बहुत कीमती हीरा है, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपये दे सकता हूँ। तो व्यक्ति जब वापस मुड़ने लगा तो जौहरी तुरंत बोला कि अरे भाई, जाते क्यों हो? मैं तुम्हें इसके बदले 20,000 रुपये दे दूंगा। जब वह व्यक्ति फिर भी नहीं रुका तो जौहरी दौड़ के उसके आगे आया और कहा कि हे मानव, रुक जाओ और मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दे दूंगा। जब वह व्यक्ति फिर भी नहीं रुका तो जौहरी चिल्ला के बोला, अरे तुम 1,00,000 रुपये ले लो, लेकिन रुक जाओ और मुझे यह हीरा दे दो, यह अनमोल है। उसके बाद भी वह व्यक्ति नहीं रुका तो जौहरी चिल्ला के बोलता है, अरे तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए बोलो और ले जाओ, पर यह हीरा मुझे दे दो। वह व्यक्ति उसके बाद महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा कि भगवान, इस हीरे का मूल्य सबने इतना इतना लगाया है, और जौहरी ने कहा कि जितना चाहिए ले लो, इससे क्या मतलब साबित होता है? तो महात्मा बुद्ध बोले कि बेटा, ऐसे ही मनुष्य के जीवन का मूल्य हर मनुष्य अलग अलग लगाता है। जिसे आपकी कद्र होगी, कीमत होगी, वह आपको लाखों और करोड़ों में गिनेगा, लेकिन जिसे आपकी कद्र नहीं होगी, वह आपको कम भाव, कम मूल्य मांगेगा। इसीलिए अगर आपको कोई ना आंक पाए, आप कोई मूल्य सही ना समझ पाए, ना कोई आपकी कदर कर पाए, तो आप समझ जाइए कि उसे हीरे को पहचानने की कला नहीं आती है, और हीरे का मूल्य तो सिर्फ जौहरी ही समझ सकता है। तो आपके मनुष्य का जो जीवन है, उसका बहुत कीमत है, अनमोल है ये, इसे आप कद्र करें और समझें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आगे शेयर करें, अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।